हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम सब लोग जो हैं पानी लेने के लिए बॉडी जा रहे थे, तो चलिए चलते हैं, पानी लेकर आते हैं। बने रहिए ब्लॉग में और कीजिए इंजॉय हमारे ब्लॉग को। ये है यहाँ का नेचुरल सोर्स पानी का बावड़ी, और यहाँ पे सभी को प्यास लग गई है, सभी पी रहे हैं यहाँ पर पानी। अब हम भी पानी भर लेते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। यहाँ से पानी हमने भर लिया है, अब देखते हैं बाल्टी उठा के कौन कौन चलेगा। बारी बारी से सब उठाएंगे, सब हम पहुँच जाएंगे। आंटी, ये किसके हैं? खट्टे के पेड़ बोलेंगे तो नहीं कुछ? अब हम जा रहे हैं यहाँ पे चोरी करने के लिए। यहाँ हमने एक आंटी थे, उनको पूछा कि हम यहाँ से खट्टे निकाल लें, तो खट्टे के पेड़ देख देख के ना हमसे गलगल का पेड़ हाँ, रहा नहीं जा रहा है ना दीदी, येलो राइप गलगल। हाँ, तो हमने सोचा एक दो निकाल ही लेते हैं हम। वैसे पता कौन दीदी, मुझे तो नहीं इसका आइडिया, आप ही देखो। ये काफी ऊंचे हैं, फिर कांटे भी होते हैं इसमें, देखना। यहाँ पे हो रही है ट्राई गलगल को निकालने की, अगर निकाल पाए तो देखना कांटे ना लगे। दीदी निकालने तो यही थे, हमने भी अंगूर खट्टे हैं, गलगल खट्टे हैं। ये हमने एक तो तोड़ लिया है, हम कामयाब हो गए हैं तोड़ने में, और एक और निकाल लेते हैं। एक तो अपने आप ही गिर गया, हम तो दो ही लेने थे भाई, भगवान चाहता है कि हम चार ले जाए, इसलिए ये दो अपने आप ही गिर गए हैं ऊपर से। चले अब गिर तो गए हैं, ऐसे भी खराब हो जाएंगे। चार गलगल ले लिए हैं, दो हमने निकाले और दो गिर गए हैं। निकालते निकालते हमने चोरी नहीं किए है भाई। हाँ, तो हमने निकाल लिए खट्टे, ले लिए हमने, धन्यवाद जी। अब हम चल रहे हैं वापस, तो जिनका ये खेत है वो तो आए नहीं भाई, हमने दो ही निकालने थे ना, पर दो अपने आप ही, दो अपने आप ही गिर गए। पर कौन कितना खाएगा? तो खाएंगे ये ज्यादा खट्टे खाने वाले, तो बोल रहे हैं ये कंपटीशन करने को। नीचे को जाना है, मेरे को नहीं पता भी रास्ता, परे को, परे को, परे को के नीचे को, पर से आए थे हम। अब हम यहाँ बटरची से आए थे हम, भेहुल के पेड़ होते हुए। दीदी को आ गया याद, यहाँ पे भेहुल बोला था इसलिए, नहीं तो हम यहाँ पे रास्ता भटक चुके थे। ओ यार, ये जी चल गए वो बाल्टी लेके ही, बेचारे हमको भी उठानी पड़ेगी। हम रहे लालची बने हुए, खट्टे का तो क्या कहना, मुंह में पानी आ गया, रहा नहीं गया, रहा ना जाए, जी ललचाए, जी ललचाए, रहा ना जाए। और चोरी करने हम दो को भेजा, खुद गए ही नहीं भैया, अगर डांट पड़ेगी तो इनको पड़ेगी, मैं तो बच जाऊंगा। भेहुल का पेड़, इसमें एक भी पत्ती नहीं है, सारी पत्तियां जो है गाय को खिलाई जाती है ये वाली। यहाँ हमने सारा सामान जमा कर लिया है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना इंतजाम आज का। और व्यू देखिए, व्यू व्यू तो बस देखते ही रहो चाहिए, इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ का, क्या ही बोले दोस्तों। और ये है हमारे यहाँ पे कैमरा मैन, कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ, बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, पहुँच गए हैं यहाँ। ये है दीदी का बगीचा, त्वार गांव है यहाँ पे, निर्मण का एक छोटा सा गांव, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मण ब्लॉक के अंडर आता है ये त्वार गांव। आज हम वहाँ पे आए हैं, यहाँ पे है जीजा जी का बगीचा, वहाँ पे हम आए हैं पिकनिक मनाने। दीदी लेकर आए हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने साथ खाना, और हम यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं खाना। यहाँ पे वैसे मतलब जगह जगह पानी निकलता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो है नर्सरी उगाई जाती है इसके लिए भी, दूर दूर से लोग नर्सरी के लिए आते हैं लेने। तभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, तब उसके बाद कुछ मीठा हो जाए, तो ये मीठा ले आ दिया है। अभी देखते रहिए आप हम क्या क्या खाते हैं। कौन लेके आया है मीठा? कौन क्या क्या लाया है? कौन लेके आया है? क्या क्या खाएंगे? मीठा हाँ, बेबी दीदी ने अपने साथ लाया है सोन पापड़ी, तो अभी हम खाएंगे, एंजॉय करते हैं सोन पापड़ी। लेकिन आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा, हम आप लोगों को नहीं देंगे। पर यहाँ बना रहे हैं चूल्हा, चूल्हा बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब हम यहाँ बनाएंगे खाना। आज हम करेंगे आउटडोर कुकिंग, जिसके लिए सारा सामान हमने ले आया है, और यहाँ हो रही है चूल्हा बनाने की तैयारी। दी और जी अजी बना रहे हैं चूल्हा, और ये चूल्हा हमारा रेडी हो चुका है। तो ये लकड़ियाँ हमने यहाँ पे इकट्ठी करके ले आए हैं हम, अब हम यहाँ पे आग जलाएंगे और बनाएंगे खाना, राजमा की दाल और चावल, और आज करेंगे हम आउटडोर कुकिंग। तो अभी आग जला लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपको आग जलाने के बाद में। यहाँ जला रही हूँ मैं आग, हमने यहाँ लकड़ियाँ डाल दी है और सूखा घास डाल दिया है, ताकि आग आसानी से जल जाए। देखते हैं मेरी आग जलती है या नहीं, जलनी तो चाहिए वैसे, पर अब काफ़ी टाइम से आग जलाई नहीं है, तो आग जलाना भूल गए हो कहीं। यहाँ से लाए हैं कुकर मार के, इसको हम पहले मिट्टी लगा लेते हैं, ताकि इसमें ये जो है वो ना हो, काला ना हो, क्योंकि उन्होंने हमें नया ही कुकर दिया है, किसी का बर्तन ख़राब ना हो, इसलिए हम मिट्टी से भी लगा लेते हैं। ताकि पहले जो है चूल्हों पर ही खाना बनता था, तो ऐसे ही मिट्टी लगाते थे बर्तनों में, ताकि बर्तन ख़राब ना हो और धोने के बाद चमक जाए। आज हमने इसमें भी लगा दिया है,
ऐसे लगाओ मोटी जैसी लकड़ी भी साथ है। पहले इनको जलने दो फिर लगा रही हूं। अरे मोटी लकड़ी भी पकड़ लेगी ना फिर साथ साथ आग। यहाँ हमारी आग जल चुकी है और हमने अपना प्रेशर पकड़ना जरा जी लगा दिया है यहाँ चूल्हे पे। इसमें थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। ये चावल चढ़ा दिए हैं और आग हमारी अच्छी जल चुकी है। अब बन जाते हैं जब चावल फिर मिलते हैं आपको चावल बनाने के बाद दाल बनाते हुए। और दीदी बहुत थक चुके हैं इसलिए दीदी बैठ गए हैं यहाँ पे छाया में। और अब हम सर्दियों में भी छाया ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा गर्मी लग रही है हमारे को। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर खट्टा जो गलगल हम चोर के लाए थे मेहनत करके लाए थे, चोर के नहीं लाए थे, मांग के लाए थे। उस गलगल का खट्टा बनाएंगे हम यहाँ पे और खाएंगे। जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसी से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, चीनी है हमारे पास, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ी बहुत मिर्च डालेंगे और बस फिर हो जाएगा हमारा खट्टा तैयार। तो अभी हम थोड़ी प्रिपरेशंस कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको प्रिपरेशंस करने के बाद। यहाँ पर जिया जी कर रहे हैं हमारी कुकिंग आज की चावल की देखभाल। अभी हवा उड़ने लगी थी तो इन्होंने चूल्हे का सही इंतजाम कर दिया है और अब हमारे कुकर में आने वाली है सीटी थोड़ी ही देर में। एक सीटी आ चुकी है, एक हम विसल और आने दे रहे हैं इसमें। ये आ गई हमारी सीटी और चावल हमारे हो गए हैं रेडी। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कढ़ाई और लगाएंगे दाल में तड़का। अब हमने कढ़ाई लगा ली, अब हम दाल बनाएंगे और फटाफट अपनी दाल में तड़का लगा लेते हैं। तड़का बिना तेल का, तेल लाना भूल गए हम तो बिना तेल का तड़का खाएंगे। हमने इसमें प्याज लहसुन और अदरक सब कुछ डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। हल्दी भी डाल लो अब इसमें, जीरा भी डाल। चम्मच हमारे पास है नहीं है, हम इसी से उठा लेंगे और ऐसे डाल देंगे। और जीरा भी हम इसी से उठाएंगे और डाल देंगे। ये है बिना तेल का तड़का। ये जी पहले हाजमा कर रहे हैं कि इतना टेस्टी खाना बनेगा तो जाना खाने के लिए जगह चाहिए है ये जी। ना अभी नहीं खाना मैंने। नहीं जी हाजमा ला। हेलो, जो पहले खाया है उसको पचाने के लिए। बहुत टेस्टी है, थोड़ी बहुत पुदीने की कमी है लेकिन पुदीना और धनिया बाकी स्वाद तो बहुत है। खा लिया ना बहुत। तो जी हमारा खाना रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब खाना प्लेट्स में सज रहा है और ये देखो यहाँ पे सलाद भी काटा जा रहा है और खाना भी लगाया जा रहा है। हम खाना एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। ये देखो जी, ऐसा मत बोलो। खा पी लिया है तो बर्तन बुर्तन साफ किए जा रहे हैं अब। क्यों जी सुने जी? हाँ जी बिल्कुल, अब यहाँ पर हम बर्तन धोएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उधर देखो, उधर भी दिखा दो, वो देखो रेस्ट फरमा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एंजॉय कर लिया है, अब हम घर को निकल रहे हैं और यहाँ से हमने सामान सारा पैक कर लिया है अपना, अब निकलते हैं घर की ओर। अभी ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा हमें, जितना हम नीचे आए थे उतना हमें ऊपर को जाना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि सामान लेके हमको ऊपर पहुँचना है। भैया ले जाएंगे थोड़ा सा सामान। हम चल पड़े हैं ऊपर की ओर और दूसरे बगीचे की ओर, दूसरा बगीचा है उधर की ओर। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं अभी हम ऊपर की ओर, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए फिर हम दोबारा वापस आएंगे। सामने देखो कितने सुंदर बगीचे हैं इधर बनाए हुए लोगों ने, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। तो ऊपर ऊपर पहुंच के मिलते हैं हम आपको थोड़ा ऊपर चलकर। देखो इस पगडंडी पे चल रही हूँ और बोल रहे हैं फटाफट चल। पगडंडी पे मैं फटाफट कैसे चलूँ बताओ? अगर मैं गिर गई तो पीठ में तो उठाना पड़ेगा इनको ही, है ना। हाँ रोड काफ़ी दूर है, गाड़ी हमारी काफ़ी दूर है, इसलिए आराम से चलने दो ना। यहाँ पे देखिए पानी और आसपास का व्यू तो बस अच्छा है। पौधे पौधे हैं, पेड़ पौधे पौधे हैं यहाँ पर। और हम भी पहुँच गए हैं यहाँ आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हम नाला क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो ये है नाला और नाले में पानी है और हमने ये नाला क्रॉस कर दिया। आप आराम से आना, ये रखी ना नहीं बह ना जाना नाले में। और ये वाला बगीचा है यहाँ पे देखो, इतना ही प्यारा है और मेहनत लोगों ने बहुत कर रखी है। कितने अच्छे से तौलिए वगैरह बनाए हुए हैं, सारे खेतों में तौलिए हो चुके हैं। इधर एक चीज मैं दिखाऊं आपको, ये पुदीने की यहाँ भी है, वो पुदीने की पुदीने, ये जो घास है ना दोस्तों, ये बिल्कुल पुदीने की तरह खुशबू देता है लेकिन ये पुदीना नहीं है। हमने भी पहले सोचा था कि पुदीना ही है लेकिन ये पुदीना नहीं है, पुदीने की कोई वैरायटी है। खुशबू भी इसकी पुदीने जैसी है, यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इसको खाते नहीं है। हमने रखा इसका नाम पुदीनी, पुदीने की वैरायटी है ये, कोई हमने नाम रख दिया इसका पुदीनी। ये देखिए दोस्तों गांव में है गाय बच्चू गाय और ये है गधा, काफी टाइम से देखा नहीं था। हेलो क्या नाम है आपका? अजो अजो अजो, ये भी पोज दे रहा है भाई। क्यों पाला होगा इन्होंने ये? सामान के लिए, ऊपर दूर होता है।
सामान ढोने के लिए, कितना अच्छा है ना। यही था वो आवाजें कर रहा पहले, सुन रहा है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहा है। हाँ, और ये है गाय, देखो कितनी अच्छी गाय है, जर्सी गाय है, जर्सी गाय। और ये देखो यहाँ टोलिया ही टोलिया है घास। हमारे यहाँ तो भाई टोलिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या आप बोलते हैं इसको ये नहीं पता हमें। हम यहाँ गांव के पास पहुँच चुके हैं और गांव में देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब गांव गांव नहीं रहे, शहर हो गए हैं दोस्तों। और यहाँ भी है एक और ब्राउन कलर का डंकी। ये है पुराने मकान, इनका तो कहना ही क्या दोस्तों, इस तरह के मकान तो अब देखने को मिलते ही नहीं है। यहाँ भी है देखो बॉडी, दीदी बोल रही थी ना इधर को भी बॉडी है। ये है नेचुरल वाटर यहाँ का, यहाँ हम पानी पियेंगे, थोड़ी गर्मी लग रही है मुँह भी धोएंगे। और ये देखो पत्थर बड़े बड़े, इस पे यहाँ पे ना कपड़े धोने के लिए आते हैं। हमारे भी पहले बॉडी के पास ऐसे ही पत्थर हुआ करते थे, तब मुझे पता है यहाँ पर पत्थरों पे कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं। हाँ बहुत पुराने हैं, अब तो इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं, ऐसे सीधे पत्थर कहाँ मिलेंगे। ये देखो ये है गाँव का जीवन, और यहाँ पर पानी, और अब हम यहाँ पे पियेंगे पानी। और ये देखो, ये दिखाओ पहले, यहाँ देखो कैसे पत्थर, देखो पानी ने अपना रास्ता बनाया है यहाँ से, पत्थर को बोलते हैं ना बार बार घिसने से, पानी ने भी अपना रास्ता बना लिया है। ये देखो दोस्तों गांव में मिट्टी से हाथ धोते हैं, पहले ऐसे ही होता था, साबुन कहाँ होते थे, मिट्टी से ही हाथ धोते थे। और यहाँ पे देखो आज भी वही रखा हुआ है, आज हम भी इसका यूज कर रहे हैं और इससे हाथ ना अच्छे हो जाते हैं। देखो मेरे हाथ में काले थे बर्तन धोने के बाद, मैंने इसको धो साफ हो गए। यहाँ देखो बच्चे पेड़ में कैसे खेल रहे हैं। बस में ड्राइवर कंडक्टर, तू होता था ड्राइवर, मैं होता था कंडक्टर। बस को स्टार्ट करो ला। हमारे को भी ले जाएंगे बस में? नहीं। क्यों? हमारे को भी ले जाओ। बच्चे हैं गांव के, पेड़ में चढ़ के खेल रहे हैं। बस बस कंडक्टर ड्राइवर कर दो भाई, सिटी सिटी पे जाओ। हाँ बस चल पड़ी। अब हम यहाँ से निकल गए हैं, अभी हमको ट्रैकिंग करनी है 10-15-20 मिनट, और उसके बाद हम भैया जी के घर में जाके चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। चार बजे की चाय, लोगों के सहारे से चल रहे हैं हम तो यहाँ से। अभी हम पहुँचने वाले हैं अब, और ये डंडा हमारा सहारा है यहाँ पर। ये डंडा अगर होता तो क्या करते, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इसी से आया हूं, मस्त हवा, थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, अदरवाइज तो बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ हम आगे हैं वापस रोड की ओर जा रहे हैं, अभी आधे रास्ते में पहुंचे हैं, सूरज भी छुप चुका है और सारे बैग जिया जी उठा रहे हैं, हमारे को दे नहीं रहे, बोला तुम तो डंडों से चल रहे हैं, तुमने क्या खाक बैग उठाने। यहाँ हमारी डांडी यात्रा खत्म, आखिरकार पहुंच गए ऊपर सड़क पर, तुम्हें डंडे की जरूरत खत्म हो गई। यहाँ हम पहुँच गए गाड़ी के पास वापिस, अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं, बैठ गए हैं गाड़ी में और यहाँ से चल पड़े हैं द्वार से। काफी मजा आया ना, कैसा रहा भाई? बढ़िया रहा, मजा आया बहुत आज का सफर, बीच बीच में ऐसे ऐसे सफर करते रहना चाहिए। यहाँ पे हो रही थी ब्लास्टिंग और पत्थर जो है यहाँ पे टूट गए थे, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, जाम लगा था यहाँ पे। तो यहाँ से अभी रोड साफ हो चुका है, इस पत्थर में हो रही थी ब्लास्टिंग, ये जो ऊपर पत्थर है तो यहाँ पे ये ब्लास्टिंग से गिरे थे पत्थर, इसको साफ कर रहे थे। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी रुकी हुई है गाड़ियाँ दोनों तरफ से। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जगात खाना वापस, और अभी अंधेरा भी हो चुका है, शायद वीडियो पता नहीं कैसी आ रही होगी, जैसी भी आ रही होगी। तो अब दीदी वगैरह भी जा रहे हैं अपने घर, हम अपने घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपको घर में पहुँच के। अभी यहाँ अंधेरा है, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। कैसा रहा सफर आज? बहुत बढ़िया। आपको कैसा रहा? और जी जी क्यों छुपे इधर आओ, कैसा रहा? मजा आया कि नहीं आया? जी आनंद आया, ऐसे सफर बीच बीच में होने चाहिए ना।
तो अभी हम घर में पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, बहुत मजा आया हमें नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का, बहुत ही आनंद आता है। और व्यू तो इतना अच्छा था ना वहाँ पे कि क्या बताएं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मिलते हैं और एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज बू शेयरिंग ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।